नमस्कार दोस्तों, मैं रावत मोहन सिंह एक बार फिर से लायो ने कुछ विचार त्योहार के ऊपर। प्रकाश का पर्व है दिवाली। दिवाली भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। ये बुराई की अच्छाई पर, अंधकार पर प्रकाश की और अज्ञानता पर ज्ञान की विजय सूचक है। आज देश में कई तरह का अंधकार है। आज प्रेम भाव का अभाव का अंधकार है। आज स्वदेशी वस्तुओं को छोड़कर विदेशी वस्तुओं को खरीदने का अंधकार है। आज चाइना की नीतियों के कारण हमारे देश में छोटे मोटे 2000 से अधिक लघु उद्योग चौपट हो गए, जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ये अंधकार है कि हम आज नहीं जागे तो आने वाले टाइम में हमारा देश आर्थिक रूप से गुलाम की ओर अग्रसर हो जाएगा। दीपावली के दिन हम दीपक जलाते हैं। दीपक के अंदर वो बत्ती होती है, वो तेल में डूबी होती है। यदि वो बत्ती तेल में पूरी तरह डूबी हो तो हम उसका दीपक नहीं जला सकते, वो प्रकाश नहीं दे पाएंगे। उसको थोड़ा सा बाहर निकाल कर रखना पड़ता है। उसी प्रकार यदि हम पूरी तरह भक्तिवाद में डूबे रहे तो हम कई अंधकारों से घिर जाएंगे। आज वक्त है हर व्यक्ति के दिल में वो प्रेम का, वो ज्ञान का दीपक जलाने का। कोई भी त्यौहार या किसी भी धर्म का हो, वो हम एक खास संदेश लेकर आता है। संदेश ये होता है, शांति का संदेश होता है। आज दिवाली के दिन हम उपहार और मिठाई बांटने का भी परंपरा है। इसका भी कुछ खास अर्थ है। इसका खास अर्थ यह है कि भूतकाल में जो हमें जो खटास आई है, उस खटास को मिटाकर प्रेम का, निर्मल मित्रता का पुनः दीपक जलाएं। ईश्वर द्वारा जो हमें मिला है वो बांटने के लिए मिला है। जो भी हमें जहाँ से भी मिला है हमें भी वो बांटना चाहिए, क्योंकि जो बांटने का जो सुख है, देने का जो सुख है, वो सबसे बड़ा सुख है। कोई भी त्यौहार सेवा भाव के बिना अधूरा है। दिवाली के दिन हम कई तरह के पकवान बनाते हैं, आपस में उसको बांटते हैं मिठाइयाँ। तो मेरा भी कहना चाहूँगा कि त्यौहार मनाते वक्त उन व्यक्तियों का भी या उन मानव जाति का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार यदि हमारे परिवार में कोई सच्चे दुखों से डूबा है तो हम त्यौहार कैसे मना सकते हैं, हम गुस्सा कैसे मना सकते हैं। उसी प्रकार यदि मानव जाति कोई समाज में दुखी हो या फिर पृथ्वी पर कोई मानव जाति अभावग्रस्त हो, परेशानियों से हो, तो त्यौहार मनाते वक्त उस अभावग्रस्त लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, उस मानव जाति का भी ध्यान रखना चाहिए। उनके घर में भी खुशहाली आए, उनको भी दिवाली अपनापन का भाव हो, उनको भी लगना चाहिए कि दिवाली आई है, त्यौहार आया है देश में, उनका भी खास ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि त्यौहार सेवा भाव के बिना अधूरा होता है। हर धर्म के जो पैगंबर है, जो भी है, श्री राम जब वनवास से आए, 14 वर्ष वनवास काटकर, तो उस नगरी में खुशियां मनाई, घी के दीपक जलाए, क्योंकि उस नगरी में सभी सुखी थे। ये संदेश देता है कि दिवाली भी हमें कि एक खुशियां बांटने का मौका है। ये संदेश देता है दीपक जलाने के, दीपक हम क्यों जलाते हैं। दीपक की जो पंक्तियां हैं उसका अर्थ यही है, प्रकाश की पंक्तियां जलाना। हर तरफ प्रकाश प्रकाश होना चाहिए। आज अहंकार का दीप तोड़कर करुणा का, नम्रता का दीपक जलाना है।
प्रेम भाव का दीपक जलाना है, भाईचारा का दीपक जलाना है। दीपक का मैन अर्थ यही है, प्रकाश की पंक्तियां। मैं इतना ही कहकर रावत मोहन सिंह की तरफ से देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं।